दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस ऑल्टो K10 के बारे में, जो कि इसका सेकेंड जनरेशन मॉडल है और काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। पुरानी जो K10 थी उसके मुकाबले यहाँ पे आपको ढेर सारे डिफरेंस मिल जाएंगे। अब कुछ लोग इसको माइलेज का बाप भी कहते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 25 का माइलेज मिल जाता है। कुछ लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, कुछ लोगों के लिए ड्रीम कार है, कुछ लोगों के लिए डब्बा है, जो भी कहो। लेकिन प्रीवियस जो मॉडल था उसके हिसाब से इस गाड़ी में जो कैबिन स्पेस है, जो माइलेज है, वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। बात तो सही है। इससे पहले भी इसके जो बेस मॉडल है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में आपने मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था, मेरे आंसू निकल गए थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन सा वेरिएंट आप देख रहे हो। तो ये इसका बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट है और इसमें कई सारी एक्सेसरीज भी लगी हुई है, जिस वजह से एक डिफरेंट लुक यहाँ पे आ रहा है। स्पेशली जो अलॉय व्हील लगे हैं, इसमें अलॉय व्हील आते ही नहीं है, ये लगा रखे हैं। तो कई सारी यहाँ पे चीज़ें फिट कर रखी हैं, सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो जैसे मैं कह रहा था, ये इसका जो मॉडल है टॉप मॉडल देख रहे हो, VXI प्लस मॉडल, और ये आपको लगभग लगभग ऑन द रोड पड़ जाती है 6.5 लाख रुपये की। थोड़ी एक्सपेंसिव है। अब धीरे धीरे सारी गाड़ियां यहाँ पे एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। बाकी लुक्स की बात करें तो फ्रंट का लुक अब कुछ इस तरह से दिखेगा। हेडलैम्प का डिजाइन चेंज हो चुका है। इसमें अभी भी आपको हेलोजन रिफ्लेक्टर सेटअप मिल जाएगा, सिंगल बीम आपको मिलती है, फॉग लैम्प की कोई प्लेसमेंट नहीं दे रखी यहाँ पे, लेकिन काफी वाइड ग्रिल मिलेगी। फ्रंट में सुजुकी का लोगो हो गया। ये क्रोम ट्रीटमेंट आप देख रहे हो, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। आप चाहो, अगर आपको लुक इस तरह से अच्छा लग रहा है, आप भी इसमें लगा सकते हो। बाकी साइड की तरफ को आते हैं, साइड से लुक अब अलॉय व्हील लगने के बाद, क्रोम ट्रीटमेंट लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो अलॉय व्हील है 13 इंच के, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कंपनी से ही लगाना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिलेगी। दूसरा, इसके जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया है। 13 इंच के इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। अब नई जो K10 है, इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको पहले से अच्छा मिलेगा, तो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बढ़िया है, दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, टर्न इंडिकेटर अभी भी यहाँ पे दे रखे हैं। अगर ये ORVM में होता तो काफ़ी बढ़िया हो जाता। ORVM का डिज़ाइन अच्छा है पूरे, लेकिन आपको ये ब्लैक कलर के मिलेंगे। मैन्युअली आपको इनको इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। बाकी ये जो देख रहे हो, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है। डोर हैंडल इस तरह से मिलेंगे, बॉडी कलर वाले आपको मिलते हैं। हाँ, लेकिन इसमें आपको सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। चाबी अभी अंदर लगी हुई है, मैं आपको इंटीरियर में जाके दिखा दूंगा। बाकी क्रोम ट्रीटमेंट इस तरह से लगा रखा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है इसको आप लगवा सकते हो। मेन पीछे का जो लुक अच्छा करता है वो है यहाँ पे स्पॉइलर। बॉडी कलर इसमें आपको स्पॉइलर लगेगा, ये आप ज़रूर लगाना, क्योंकि देख रहे हो पीछे का लुक कितना डिफरेंट हो चुका है एक स्पॉइलर की वजह से। बहुत प्यारा लुक आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और मेंशन करूंगा, इस गाड़ी में आपको 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, और ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक में भी मिलेगी। बाकी K10 का बैच लगा हुआ है, सुजुकी का लोगो, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिलेगा, पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। पीछे यहाँ पे भी देख रहे हो, ये जो क्रोम है ये भी फिट करा रखा है एक्सेसरीज में। ये जो चीज़ है ये भी एक्सेसरीज फिटेड है, इसको भी आप लगवा सकते हो, लगाना चाहो। बाकी डिग्गी की बात करते हैं, तो डिग्गी देखो यहाँ पे 2 तरीके से आप ओपन कर सकते हो। या तो आप मैन्युअली चाबी यहाँ से लगा के ओपन करोगे, या फिर ड्राइवर साइड के नीचे यहाँ पे पैरों के सामने जो ये दे रखा है, इसको दबा के जो डिग्गी है उसको आप खोल दोगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको पार्शियल ट्रे मिल जाती है पहले से, बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अब टॉप मॉडल में आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है। डिग्गी का साइज अच्छा है, ठीक है, मतलब अगर 800 से कंपेयर करें तो काफ़ी बड़ी डिग्गी का साइज़ आपको मिल जाएगा, 214 लीटर का है। तो इसमें आप छोटा मोटा इस तरह से स्टफ़ जो है काफ़ी सारा कैरी कर लोगे, बड़े वाले लगेज यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप किडनैपिंग के हिसाब से देख रहे हो, तो एक छोटा बच्चा ही यहाँ पे फिट हो पाएगा। थोड़ा मूड खराब कर दिया। अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं ना भाई, पहले तो देखो जो इंटीरियर है कुछ इस तरह से दिखेगा। आप ये जो टॉप मॉडल है इसमें आपको कुछ अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। सीटिंग कंफर्ट यहाँ पे वैसे दिखाऊं तो अच्छा मिलेगा आपको, ये जो सीट कवर है लगा रखे हैं इस तरह से, आप इनको लगवा सकते हो। और गाड़ी को मैं ऑन ही कर देता हूँ, टूटना टूटना लगी हुई है, तो वही देखो इस तरह से ही है। टच स्क्रीन आपको इस टॉप मॉडल मिल जाती है, जिसमें सुजुकी ऐसी तरह से मर्ज हो रहा है। माउंटेड कंट्रोल का इसमें माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, वॉइस कमांड का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, फ्यूल नहीं है एज़ यूजुअल। जो स्पीडोमीटर है वो इस तरह से मिलेगा आपको, छोटा सा नीचे ट्रिप मीटर दे रखा है, जिसमें आपको बेसिक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे फ्यूल कितना है, एवरेज कितना मिल रहा है, गाड़ी कितना चल चुकी है, ट्रिप ए ट्रिप बी, ऐसी ऐसी जो बेसिक सी चीज़ें वो आपको दिखेंगी। और स्टेयरिंग जो एडजस्टमेंट है वो नहीं मिलता, फिक्स स्टेयरिंग आपको मिलेगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल हैं, इधर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे, इधर आपको मैन्युअली आपको यहाँ से इस तरह से ऑन करनी पड़ेगी, नीचे आपको लाइट की बीम एडजस्ट करनी है तो यहाँ से आप करेंगे,
वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट है। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर का ऑडियो सेटअप मिल जाता है। पावर विंडो के कंट्रोल आपको फ्रंट डोर्स के या सेंट्रल डैशबोर्ड में मिल जाएंगे इस तरह से। टस्किन जिसमें कहता है एंड्रॉयड एप्पल दोनों को सपोर्ट करती है। इसको बंद करते हैं, घड़ी अच्छी लग रही है। मैनुअल एसी आपको मिलता है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट दे रखा है। यूएसबी ऑक्स दोनों के पोर्ट आपको मिल जाएंगे। फोन रखने के लिए स्पेसिंग है, 2 बड़े कप होल्डर्स मिलते हैं। 5 स्पीड का इसमें आपको गियरबॉक्स मिल जाता है। और ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और ये रहा हैंड ब्रेक। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स का साइज भी ठीक है, गाड़ी के हिसाब से आपको ठीक साइज मिल जाता है। और सेफ्टी की बात कर लेता हूँ तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। बाकी सेफ्टी फीचर तो वही है, बेसिक से ABS, ABD, ब्रेक असिस्ट जो आपको हर मारुति की गाड़ी मिल जाते हैं नीचे से लेके ऊपर के वेरिएंट्स तक। हाँ, अब जो लेकिन जो नई गाड़ी आ रही है बलिनो हो गए और ये जो देख रहे हो आप सामने विटारा जो नई ब्रीजा है उसमें आपको ढेर सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ की मुझे बड़ी खामी लगती है इस गाड़ी में, जैसे देखो 6.5 लाख रुपये हम दे रहे हैं लेकिन जो ORVM है इनको हम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते, मैनुअली इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो स्पीडोमीटर का डिज़ाइन है वो मतलब उतना अच्छा नहीं है, और अच्छा हो सकता था कुछ डिफरेंट, या तो पूरा डिजिटल करते या फिर निडल वाला रखते वैसे तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये 2 चीज़ खामियाँ जो मुझे इस कार में लगती है। बाकी ग्लास इसका जो इंजन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो ये इंजन है ये 1000 cc का इसमें आपको मिलता है और पहले से ज़्यादा बढ़िया हो चुका है इंजन, क्योंकि इसमें आपको पावर अब ज़्यादा मिलती है। इसमें आपको 66 PHP मिल जाएगी और 89 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिल जाता है, जिसमें कह रहा था माइलेज बहुत अच्छा है। 25 का कंपनी क्लेम कर रही है, मतलब 25 से ऊपर तक का माइलेज इस कार से निकालोगे, मतलब शहर के अंदर तो ये गाड़ी मतलब बिल्कुल आराम से आपको 14-15 का माइलेज तो बहुत आराम से निकाल के देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंजन भी अब बहुत रिफाइन है। तो इसमें जो एक्सेसरीज लगी हुई थी वो मैंने आपको दिखा दी है कि चीज़ बार बार से एक्सेसरीज लगा रही है, चाहो तो उस तरह से लगा सकते हो अगर आप गाड़ी ले रहे हो। ये डिपेंड नहीं करता कि आप टॉप मॉडल ले रहे हो तो उसी में लगाना है, फिर बेस मॉडल ले रहे हो, कोई भी मॉडल ले रहे हो तो इन चीज़ों को आप लगा सकते हो। अलॉय व्हील और स्पॉइलर तो ज़रूर लगाना, बहुत अच्छा लुक वहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर आपको ये गाड़ी वैसे बुक करनी है, इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है, कुछ जानना है, वेटिंग पीरियड कितना है, सर्विसिंग कॉस्ट, जितनी भी चीज़ें सब कुछ जानना है, तो इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इनको आप कॉन्टैक्ट करना। ये इन चीज़ों के बारे में आपको ये लोग अच्छे से बताएंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया वो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर भी जाओ फॉलो करो, काफ़ी बढ़िया कंटेंट है। ठीक है, तो बस आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको ऐसी और नई क्रेजी मशीन के साथ या फिर माइलेज वाली मशीन के साथ। तब तक के लिए स्टे लीगल बट ड्राइव फास्ट।